भूमि पेडनेकर एंड तापसी पन्नू, राइट। मैं इन दो लड़कियों के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं भूमि पेडनेकर के बारे में कुछ ऐसी चीज बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता होगी। भूमि पेडनेकर अपने आप को एक आउटसाइडर बताती हैं, और वो एक आउटसाइडर हैं, लेकिन भूमि पेडनेकर उतनी ही बड़ी आउटसाइडर हैं जितने बड़े आउटसाइडर रितेश देशमुख थे। रितेश देशमुख हम सब जानते हैं, विलास राव देशमुख के बेटे थे। रितेश देशमुख 1978 बॉर्न है, एंड 2003 में उन्होंने हिंदी फिल्म में एज अ लीड हीरो एंट्री पा ली थी। रितेश देशमुख के कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके बावजूद 2003 में उनका लॉन्च हो गया था एज ए हिंदी फिल्म लीड का हीरो, क्योंकि विलास राव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। विलास राव देशमुख का इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक वर्चस्व था। विलास राव देशमुख का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, एंड रितेश देशमुख ने उस एंगल को एक्सप्लोर करके, उस एंगल की मदद से उनके फादर विलास राव देशमुख जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक गद्दावी नेता थे, उस एंगल को एक्सप्लोर करके रितेश देशमुख ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री पाई थी। सिमिलरली जो भूमि पेडनेकर है वो बेटी हैं सतीश पेडनेकर के। सतीश पेडनेकर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गद्दावी नेता हुआ करते थे, विलास राव देशमुख के बहुत करीबी हुआ करते थे, एमएलए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड साथ ही साथ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे। एंड उस एंगल को एक्सप्लोर करके भूमि पेडनेकर ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाई है। हुआ ये था कि भूमि पेडनेकर जब 14-15 साल की थी, तब अपने फादर सतीश पेडनेकर के सोर्स के थ्रू उनकी मुलाकात हुई थी सुभाष घई से, और सुभाष घई को भूमि पेडनेकर ने बताया था कि वो हिंदी फिल्म्स में एज अ लीड हीरोइन काम करना चाहती है, और वो चाहती है कि सुभाष घई उनको लॉन्च करे। ना ये वो वक्त है जब सुभाष घई थोड़े रेलेवेंट थे। सुभाष घई की एक फिल्म आई थी यादें जो ऋतिक के साथ थी, उसके सुभाष घई की फिल्म आई थी किसना, विवेक ओबरा, उस टाइम पे विवेक का सिक्का चल रहा था। देन एक फिल्म सुभाष घई की आई थी युवराज, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ थे। उस दौरान भूमि पेडनेकर के सुभाष घई से मुलाकात हुई थी, उनके फादर के जो सोर्स थे सतीश पेडनेकर, जिनका वर्चस्व महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, जो विलास राव देशमुख के क्लोज रह चुके हैं, उनके पॉलिटिकल एंगल को एक्सप्लोर करके भूमि पेडनेकर सुभाष घई से मिली थी। सुभाष घई को उन्होंने बताया था कि वो हिंदी फिल्म में एज ए लीड हीरोइन काम करना चाहती है। ना ऑफकोर्स उस वक्त सुभाष घई अपने टॉप पे नहीं थे, लेकिन क्योंकि सुभाष घई ने टॉप की हीरोइंस के साथ काम किया है और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई हैं, तो सुभाष घई समझ गए कि भूमि पेडनेकर सुभाष घई किसी फिल्म में एज ए लीड हीरोइन फिट नहीं होंगी। तो सुभाष घई ने भूमि पेडनेकर को ये कहा था कि वो सुभाष घई की जो एक्टिंग स्कूल है विस्लिंग वुड्स, उसमें एक्टिंग का कोर्स करें। भूमि पेडनेकर ने सुभाष घई की बात मानी, उन्होंने विस्लिंग वुड्स अकेडमी, जो सुभाष घई की एक्टिंग अकेडमी है, वहां उसको ज्वाइन कर लिया था एक्टिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन भूमि पेडनेकर को एक्टिंग सीखनी नहीं थी, भूमि पेडनेकर को हिंदी फिल्म में एज अ लीड हीरोइन काम करना था, उनको एक्टिंग नहीं सीखनी थी। तो ऑल्दो उन्होंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो वहां पे उतनी रेगुलर थी नहीं, उनका अटेंडेंस बहुत ज्यादा पुअर था। बाद में सतीश पेडनेकर के और पॉलिटिकल सोर्सेस को लेवरेज करके भूमि पेडनेकर की मुलाकात हुई थी शानो शर्मा से, जो कि यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और शानो शर्मा के थ्रू भूमि पेडनेकर की एंट्री हुई यशराज फिल्म्स में। भूमि पेडनेकर ने शानो शर्मा के साथ 3-4 साल काम किया यशराज फिल्म्स में। बाद में शानो शर्मा ने ही आदित्य चोपड़ा को रिकमेंड किया था कि भूमि पेडनेकर को लॉन्च किया जाए, एंड आदित्य चोपड़ा ने दमला के हईशा फिल्म में भूमि पेडनेकर को लॉन्च किया था। ये है भूमि पेडनेकर के आउटसाइडर होने की बैक स्टोरी, और रितेश देशमुख की भी जो बैक स्टोरी है आई थिंक बहुत से लोग जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते वो ये जान लें कि रितेश देशमुख विलास राव देशमुख के बेटे हैं। वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, विलास राव देशमुख प्रमिनेंट पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व था। उस एंगल को एक्सप्लोर करके 25 साल की उम्र में रितेश देशमुख का डेब्यू हो गया था एक फिल्म में, जिसका नाम था तुझे मेरी कसम में। सिमिलरली भूमि पेडनेकर सतीश पेडनेकर जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, उनका भी वर्चस्व महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री में। उस एंगल को एक्सप्लोर करके भूमि पेडनेकर भी हिंदी फिल्म ज्वाइन कर ली थी। नाउ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। भूमि पेडनेकर ने एक फिल्म की दमला के हईशा, दमला के हईशा फिल्म हिट हो गई, लेकिन दमला के हईशा फिल्म का एक गाना आता है फाइनल में, इसका नाम जो कुमार सानू गाते हैं आई थिंक साधना सरगम के साथ, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। यार उस गाने में आयुष्मान खुराना तो फिट बैठ नहीं रहे, आयुष्मान खुराना तो आपको दिल नहीं जीत रहे, भूमि पेडनेकर भी आपका दिल नहीं जीत रही है, भूमि पेडनेकर भी आपका दिल नहीं जीत रही है। भूमि पेडनेकर कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस है, कोई भी ऐसी अदा, कोई भी ऐसा मूवमेंट उस गाने में नहीं आता जहां भूमि आपके दिल में उतरे। एंड देन वो वायरा की फिल्म थी, फिल्म चली, फिल्म को लोगों ने पसंद किया, भूमि पेडनेकर ने भी ठीक ठाक काम किया। उसके जस्ट बाद भूमि पेडनेकर ने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था टॉयलेट एक प्रेम का था। उस फिल्म में भूमि पेडनेकर ने वही किया जो आजकल की हीरोइंस करती हैं, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर काइंड ऑफ हीरोइंस, लाइक फिंगर जैबिंग ऑन योर फेस एक्टिंग, राइट। वो प्रीच करती है बाकी औरतों को सैनिटेशन के बारे में वगैरह वगैरह, जिस भी चीज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा आधारित थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा भी हिट हुई, भूमि पेडनेकर के एस्पिरेशंस बढ़े और भूमि पेडनेकर ने मल्टीपल फिल्म्स की, राइट। सिमिलरली तापसी पन्नू, तापसी पन्नू सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बाद में एक मॉडल बन गई, चैनल वी का उन्होंने कोई टैलेंट शो वगैरह जीता,
मॉडल बन गई, वीजे बन गई, उसके बाद उन्होंने तमिल तेलुगु फिल्म्स वगैरह की, वहां से वो हिंदी फिल्म्स में आ गई। तापसी पन्नू भी आई थिंक 25-30 फिल्म्स कर चुकी हैं एज अ लीड फिल्म हिंदी की हीरो, सॉरी अक्रॉस लैंग्वेजेस तापसी पन्नू 25-30 फिल्म कर चुकी है, हिंदी में भी उन्होंने 10-12 से ज्यादा फिल्में ही की होंगी, राइट। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, भूमि पडनेकर और तापसी पन्नू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से फॉरेन में वेकेशंस मना रही हैं, उनके मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में। इनफैक्ट तापसी पन्नू तो प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं, पिछले साल उनकी एक फिल्म लॉन्च हुई थी। उनकी फैमिली को अगर भगवान न करे कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाए तो वो लोग दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, हेल्थ वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, फाइनेंशियल वाइज। तापसी पन्नू और भूमि पडनेकर हर वे में सिक्योर है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं तापसी पन्नू और भूमि पडनेकर के अंदर ये है यार कि उनको हिंदी फिल्म्स में वो जगह नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है, राइट। उन लोगों को वो जगह नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है। द रियलिटी इज यार कि जो फेस है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या वर्ल्ड वाइड किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में फेस मैटर करता है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स, मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं फेस की बात कर रहा हूँ। फेस मैटर करता है एंड अनफॉर्चुनेटली तापसी पन्नू और भूमि पडनेकर का वो फेस नहीं है यार जिसपे इंट्रीग हो, जिसपे मिस्ट्री हो, जिसपे वो मासूमियत हो, जो रोते वक्त या जब दर्द में हो, जब वो हंस रही हो, जब वो हीरो को देख के अनदेखा कर रहे हो, जब उनके बाल लहरा रहे हो, उस फिल्म में वो लोग कभी भी किसी भी लड़के के दिल में नहीं उतरती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लड़की का लड़कों में फैन फॉलोइंग क्रिएट करना, और वो पन्नू और पन्नेकर के लिए कभी नहीं हुआ, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये पता है। एंड इस वजह से पन्नू या पन्नेकर को किसी भी टॉप के फिल्म मेकर ने, किसी भी टॉप के प्रोडक्शन कंपनी ने उस लेवल की एस्पिरेशनल फिल्म कभी नहीं दी, राइट। और ये चीज कहीं ना कहीं पन्नू और पन्नेकर के अंदर है कि यार हमें काम मिल जाए तो हम भी कैटरीना बन जाएंगी, हम भी दीपिका बन जाएंगी, हम भी करीना बन जाएंगी, हम भी माधुरी बन जाएंगी। एंड इस लेवल के डिल्यूजनल होने का क्या सेंस है? भूमि पडनेकर ने भी रिसेंट इंटरव्यू दिया एक आध हफ्ते पहले, वो कह रही है कि उनको हॉलीवुड से ऑफर आ रहा है, वो हॉलीवुड में फिल्म करना चाहती है। भूमि पडनेकर जी, सतीश पडनेकर जी का वर्चस्व मुंबई में था, महाराष्ट्र में था, तब आपको सुभाष गई से वायरफ में एंट्री मिल गई। सतीश पडनेकर जी का आप स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन सतीश पडनेकर जी की बदौलत आप किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में कभी भी हिस्ट्री में लॉस एंजलिस में अपना वर्चस्व नहीं बढ़ा सकती हो। हॉलीवुड में काम करने के लिए जो पैरामीटर्स है उसमें, उस इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए जो तपस्या करनी है वो भी अलग लेवल की तपस्या, और वो आप कैसे करोगी? वो तो आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं किया था। आप सतीश पेडनेकर की बेटी हो, उनका इन्फ्लुएंस था, उनका वर्चस्व था, उस एंगल को एक्सप्लोर करके आपने हिंदी फिल्म को ज्वाइन किया, जो कि बहुत अच्छी बात है यार, टू योर क्रेडिट, राइट। अगर आपके पास वो लेवरेज था, आपने उस लेवरेज का फायदा उठाया, ग्रेट। लेकिन इस हिसाब से ऑडियंस को पागल बनाना कि मैं हॉलीवुड से, मुझे ऑफर आ रहा है, मैं हॉलीवुड जा रही हूँ, हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? सेम फॉर तापसी पन्नू, सेम फॉर तापसी पन्नू। तापसी पन्नू का आप इंटरव्यूज देखोगे, शी इज लाइक कि मुझे हिंदी फिल्म्स में सुपरस्टार के साथ काम करने का मन नहीं होता, लेकिन मुझे काम करना पड़ता है आउट ऑफ नेसेसिटी, या मुझे रोल अच्छा लग गया था मिशन मंगल में इसलिए मैंने अक्षय के साथ किया, मुझे बेबी में अपना रोल अच्छा लग गया था इसलिए मैंने अक्षय के साथ किया। आई मीन ये बेबी हो गई, मिशन मंगल हो गई, ये तापसी पन्नू के करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स हैं, राइट। और इसमें तापसी पन्नू का कोई बहुत प्रोमिनेंट रोल नहीं है बेबी में या मिशन मंगल में, राइट। मिशन मंगल में मल्टीपल हीरोइंस हैं, वन ऑफ द हीरोइंस तापसी पन्नू है, और बेबी भी बहुत छोटा सा रोल है तापसी पन्नू का। वो फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस आया है अक्षय कुमार की वजह से आया है, हम सबको पता है अक्षय कुमार के साथ पन्नू ने काम किया है, पन्नू को भी ये चीज पता है कि अक्षय से बॉक्स ऑफिस आया है। उसके बाद भी पन्नू अपने इंटरव्यूज में सारी चीजें कहते रहती हैं कि उनको सुपरस्टार्स के साथ काम नहीं करना, उनको मेल सेंट्रिक फिल्म्स नहीं करनी वगैरह वगैरह, और इंडस्ट्री बहुत गलत है ये वो। I mean, भूमि पेडनेकर जी, तापसी पन्नू जी, इंडस्ट्री की वजह से ही आप दोनों अपनी प्रॉपर्टी बना पाए हो। तापसी जी, आप इंडस्ट्री की वजह से प्रोड्यूसर बन पाई हो, आप दोनों जो इतना फॉरेन घूम रहे हो, आप इस ही इंडस्ट्री की वजह से घूम रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। और यार किस वे में आपको ऐसा लगता है तापसी पन्नू जी की, जो कैटरीना ने दोधारी तलवार गाने में फॉर एग्जाम्पल जो किया है वो आप कर लोगी? अफकोर्स आप तो ये चाहोगे कि वायरफ उस फिल्म को जो बैक की थी मेरे ब्रदर की दुल्हन, उसका सीक्वल बनाए तो आपको ले ले, और आपको भी दोधारी तलवार गाने का रीमेक में डाल दे तो आप भी मैजिक क्रिएट करोगे, आप अपना ईगो सेटिस्फाई करोगे। बट यार आपको इतना तो समझ में होनी चाहिए कि आपको वो मैजिक नहीं है, वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है कि आप उस लेवल पे कैटरीना के साथ टो टू टो मैच कर पाओगी, सेम घोष व भूमि पर निकल। बट कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर इस चीज को लेकर के दुख है कि उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर्स वो एस्पिरेशनल रोल्स नहीं दे रहे हैं, वो नाच गाने नहीं दे रहे हैं, वो लटका झटका नहीं करवा रहे हैं। एंड इन लड़कियों का मानना है कि अगर वो फिल्म मेकर्स इनको वो लटका झटका करवा दे, वो एस्पिरेशनल गाने दे दें, वो रोल्स दे दें, वो बड़ी फिल्म इनके साथ बना लेते, सुपरस्टार बन जाएंगे। और ये डिल्यूजन हर एक्टर का है, ऐसा नहीं सिर्फ पन्नू और पडनेकर का है, हर एक्टर यार, हर एक्टर देश के कोने कोने में जो बसता है, लिटरली अगर उसको हिंदी फिल्म ज्वाइन करनी होती है वो आदमी यही करता है, वो इंसान, वो लड़का, वो लड़की, वो लोग यही करते हैं कि अमेजोन में जाते हैं, अमेरिकन टूरिस्टर या स्काईबैक का ट्रॉली ऑर्डर करते हैं, वो ट्रॉली उनके घर पे आता है, उसमें कपड़े डालते हैं, माँ बाप से अपने दही शक्कर खाते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, फ्लाइट पकड़ के मुंबई आते हैं, 6 महीने स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल भी कहाँ करते हैं,
धर्मा प्रोडक्शंस, संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन हाउस, यशराज फिल्म्स, नाडेड वालास, एक्सेल एंटरटेनमेंट, बस यहीं पे चक्कर लगाते रहते हैं। शुरू के 6-8 महीने अच्छा लगता है, बात बन गई तो ठीक, नई बात बन गई तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड यार ये चीज यहाँ पे सारे एक्टर्स को समझने की जरूरत है, इंक्लूडिंग पन्नू एंड पेडनेकर, की दुनिया का कोई भी एक्टर हो, इट्स नॉट अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इवन हॉलीवुड आप चले जाओ, वियतनामीज फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ, कैम्बोडियन फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ, जापानीज फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ, यू नो सऊदी अरब में अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री वहां चले जाओ, हर एक्टर लिटरली लिटरली स्टोर पे रखा हुआ फर्नीचर है। अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई डायरेक्टर उस एक्टर में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उस एक्टर का कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक स्टोर में फर्नीचर रखा रहता है, कोई कस्टमर अगर उस फर्नीचर में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उस फर्नीचर का कुछ नहीं हो सकता, वो फर्नीचर वैसे के वैसे वहां रखा रहेगा, वो फर्नीचर वैसे के वैसे वहां रखा रहेगा। वैसा ही एक्टर्स के साथ है। अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई डायरेक्टर, अगर कोई लेट्स से मेल सुपरस्टार, जिसमें सलमान और अक्षय ने कैटरीना को सेटअप किया, जिसमें सलमान, अक्षय और अजय ने सोनाक्षी को सेटअप किया, अगर वैसा कुछ किसी के लिए नहीं होता, जिसमें शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को सेटअप किया, अगर वैसा नहीं होता है तो किसी भी एक्टर की कोई भी बात नहीं बन सकती। भूमि पेडनेकर को तो शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर भूमि पेडनेकर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके आती तो उनका स्क्रीन टेस्ट होता, उनके ऑडिशंस होते, उनको मल्टीपल वर्कशॉप्स करने पड़ते, तब वो शायद लॉन्च होती, नहीं लॉन्च होती। लेकिन भूमि पेडनेकर ने तो सतीश पेडनेकर का जो पॉलिटिकल एंगल है, वो जो लेवरेज था, उसको लेकर के वो आगे आ गई थी, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी फिल्म चल गई, उनको फिल्मफेयर अवार्ड मिल गया, उन्होंने पैसे कमा लिए, हिंदी फिल्म्स में अभी भी वो लीड रोल्स कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चीज का डिल्यूजन में रहना कि यार मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं, मैं कैटरीना दीपिका करीना, सिर्फ इसलिए नहीं बन रही कि जो कैटरीना दीपिका करीना को रोल्स मिले थे, वो फिल्म मेकर्स, वो प्रोडक्शन हाउसेस जो उनके लिए फिल्म्स बना रहे थे, वो मेरे लिए नहीं बना रहे, ये भूमि पेडनेकर का मानना है। सेम को तापसी पन्नू, तापसी पन्नू का भी यही मानना है कि बड़े फिल्म मेकर्स मेरे लिए बड़े रोल्स लिख दे, बड़े हीरोज के अपोजिट मेरे को रोमांटिक प्ले करना पड़े, मैं मैजिक कर दूंगी। पन्नू ने भी एक फिल्म की थी डंकी, शाहरुख खान के अपोजिट, ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। द रीजन इज कि शाहरुख खान का जो स्क्रीन प्रोजेक्शन है, शाहरुख खान की जो पर्सनालिटी है, उसके साथ बहुत कम हीरोइंस टिक सकती है, शाहरुख खान का टो से टो बहुत कम हीरोइंस बना सकती है, एंड तापसी पन्नू इज नॉट वन अमंगस्ट देम, राइट। तापसी पन्नू को लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लोगों के अंदर तापसी पन्नू लोगों के रूह में नहीं उतर पाई है अपनी अदाओं, अपने एक्सप्रेशन और अपने मैजिक के थ्रू। राजकुमार हिरानी ने अपना ईगो सेटिस्फाई किया, तापसी पन्नू को डाल दिया शाहरुख खान के अपोजिट, शाहरुख को ही पता रहा होगा कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट, शाहरुख ने भी वो फिल्म कर ली, इट डिड नॉट वर्क आउट, ऑडियंस पागल नहीं हुई पन्नू के लिए। उसके बाद भी पन्नू का मानना है कि उनको 2-3 फिल्म और शाहरुख के साथ मिल जाए, करण जौहर के डायरेक्टोरियल में, तो उनकी बात बन जाएगी, यू नो, एंड दैट्स द वे इट इज यार, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। कोई भी एक्टर यार इस बात से खुश नहीं है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से घर ले पा रहा है, वो गाड़ी ले पा रहा है, वो अपने और अपनी फैमिली के हेल्थ को सिक्योर कर पा रहा है, वर्ल्ड के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी फैमिली को और अपना हेल्थ चेकअप करवा सकता है, फॉरेन घूम सकता है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता है। लोगों को ये है यार कि मैं टॉप ऑफ द लैडर कैसे नहीं पहुंच रहा, मैं टॉप ऑफ द लैडर कैसे नहीं पहुंच रहा, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार। यार भूमि पेडनेकर क्या चांस है, अगर भूमि पेडनेकर वो सतीश पेडनेकर जो एक वर्चस्व वाले पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के थे इनफैक्ट, अगर उनकी बेटी नहीं होती तो क्या भूमि पेडनेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिट इनफ है? भूमि पेडनेकर फिट इनफ है? इतनी सारी फिल्म्स भूमि पेडनेकर ने की है, इतनी सारी फिल्म्स तापसी पन्नू ने की है, एक भी फिल्म्स का रिकॉल वैल्यू नहीं है, एक भी फिल्म दोनों की ऐसी नहीं जिसका रिकॉल वैल्यू हो। पूरी मीडिया ने बढ़ चढ़ के बोला कि पिंक इतनी मैजिकल फिल्म है, पिंक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, पिंक ने सिनेमेटिक माउंटेन्स मूव कर दिए, पिंक फिल्म जिस डायरेक्टर ने बनाया था वो डायरेक्टर की उसके बाद एक भी फिल्म नहीं है जिसके बारे में मीडिया बात करे, एक भी फिल्म उस डायरेक्टर की नहीं। पिंक चल गई थी, उसके लिए पिंक के पीआर टीम ने मीडिया में पैसे बटवा दिए, तो पिंक की तो मीडिया ने पिंक के डायरेक्टर और पिंक के एक्टर एक्ट्रेसेस को ग्रेट बता दिया था वगैरह वगैरह। उसके बाद उस डायरेक्टर ने जो फिल्म्स बनाई पिंक के डायरेक्टर ने, अनिरुद्ध रॉय चौधरी आई थिंक नाम था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मीडिया ने उनको सर पे नहीं बैठा, मीडिया ने उनको सर पे नहीं बैठा। पिंक फिल्म की कोई रिकॉल वैल्यू नहीं, कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है। भूमि पेडनेकर की दम लगा के हईशा की रिकॉल वैल्यू है, लेकिन दम लगा के हईशा में अगर भूमि पेडनेकर की जगह कियारा आडवाणी होती तो क्या फर्क पड़ रहा था उस फिल्म को, उस फिल्म को क्या फर्क पड़ रहा था, उसमें सोनल चौहान होती उसमें क्या फर्क पड़ रहा था, राइट। इवन तापसी पन्नू भूमि पेडनेकर की जगह होती दम लगा के हईशा में उसमें क्या फर्क पड़ रहा था, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस दैट एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स हैव टू आस्क देमसेल्फ कि उनके होने ना होने से उस फिल्म को क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। हर किसी का यही मानना है कि एक टॉप का प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे एक फिल्म को, एक टॉप का डायरेक्टर डायरेक्ट करे फिल्म को, प्रीतम का म्यूजिक हो, अरिजीत और श्रेया घोषाल गाने गाए, अमिताभ भट्टाचार्य का लिरिक्स हो, यू नो कोई सर्टेन लेवल का प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म में हो, यू नो वो राइटर फलाना फलाना फिल्म लिखे, फिल्म में 2-3 गाने स्विट्जरलैंड में हो, 2-3 गाने रशिया में शूट हो, फिल्म का हीरो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो और हम हीरोइन हो। ये लड़कियों की थिंकिंग है, सिमिलरली लड़कों की भी यही थिंकिंग है कि फलाना फलाना प्रोड्यूसर हो, फलाना फलाना डायरेक्टर हो, फलाना फलाना म्यूजिक डायरेक्टर हो, अरिजीत की आवाज हो, श्रेया घोषाल की आवाज हो, यू नो फॉरेन में गाने शूट हो, कैटरीना हीरोइनो, करीना हीरोइनो, कियारा हीरोइनो, श्रद्धा हीरोइनो और हम हीरो हो। दैट्स द वे यार, दैट्स द वे पीपल थिंक, राइट। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस, हाउ डज दैट मेक एनी सेंस?
इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम मिला, नोइंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू नो दैट, पन्नू एंड पिटनेकर नो दे आर नॉट गुड इनफ, स्टिल उनको काम मिला, ये बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छी बात है, उनको लोग जानते हैं, वो लीड हीरोज के तौर पर काम कर रहे हैं, बट अगेन यू नो वो मन का कीड़ा, वो मन की शांति नहीं है यार, टॉप ऑफ द लैडर हम क्यों नहीं पहुंचे, टॉप ऑफ द लैडर हम क्यों नहीं पहुंच रहे। भूमि पटनेकर के इतने सारे गाने, इतने सारे गानों में उन्होंने परफॉर्म किया है, किस गाने में भूमि पटनेकर लोगों का मन जीत जाती है, किस गाने में भूमि पटनेकर लोगों का मन जीतती है? दुर्गामती नाम की एक फिल्म आई थिंक अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस की थी, उसमें भूमि पटनेकर को लीड हीरोइन के तौर पे कास्ट कराया था, उसके पोस्टर में भूमि पटनेकर पूरी हैवी ज्वेलरी के साथ, गले में ज्वेलरी पहनी हुई है, नाक में नथ पहनी हुई है, कान में उन्होंने हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है, और एकदम यू नो सुहागन वाला जोड़ा पहना, वो बहुत हैवी कॉस्ट्यूम्स वो पहनी हुई है, वो उस पोस्टर में फिट ही नहीं बैठ रही, वो उस पोस्टर में फिट नहीं बैठ रही, और डोला रे डोला जो गाना था राइट भंसाली का देवदास फिल्म का, उसमें माधुरी और ऐश्वर्या ने भी उतनी ही हैवी ज्वेलरी पहनी है, पूरे हाथ में मेहंदी है, पूरा गला भरा हुआ है, कान भरा हुआ है, यू नो सर पे मांग टीका लगा हुआ है, हैवी कॉस्ट्यूम है, और माधुरी और ऐश्वर्या से आपकी नजर ही नहीं हटती उस गाने में, और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है भूमि पेडनेकर में और माधुरी ऐश्वर्या में, लेकिन भूमि इस बात को मानने को तैयार नहीं है, भूमि का मानना है कि मुझे भी एक बार मिल जाए डोला रे डोला काइंड ऑफ सॉन्ग, क्या बोलोगे, सेफ और तापसी पन्नू, मुझे तापसी पन्नू कहना है कि मुझे लीड रोल वाली फिल्म करनी है, अरे तापसी मैम आप ऑलरेडी 100-200 फिल्म साल में करती हो, उसके बाद एक भी फिल्म आपकी ऐसी नहीं आती यार जिसकी रिकॉल वैल्यू बनती है, जो कोई आदमी देखे तो दूसरे को रिकमेंड करे और एक्सपेक्ट करे कि दूसरे को पसंद आएगी, नहीं पसंद आएगी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू पीआर गेम्स खेल करके आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि आपने ग्रेट फिल्म बनाई है, क्योंकि वो फिल्म ग्रेट होती नहीं है, आपकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स ओटीटी पे आती हैं, एल्गोरिथमिक ड्रिवन फिल्में होती हैं, वन टाइम वॉच कोई देख ले ना देख ले तो भी कुछ मिस आउट नहीं कर रहा, वैसी वाली फिल्म्स होती हैं राइट, आप पैसा कमा रही हो तापसी पन्नू जी, आप प्रोड्यूसर बन गई, ये बहुत बड़ी बात है, फॉरेन में एप्लीकेशंस बना रही हो, आप थी जुड़वा टू में आप जैकलिन और वरुण के साथ फिट बैठ रही हो, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट यार, एंड पीपल डोंट वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन का जो आंसर है वो लोगों के मन माफिक नहीं है राइट। भूमि पटनेकर और तापसी पन्नू का वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है, भूमि पटनेकर और तापसी पन्नू के वो एक्सप्रेशंस नहीं है, वो चेहरे पे मिस्ट्री नहीं है, इंट्रीग नहीं है, वो अदाएं नहीं है, इतने सारे गाने हैं उन लोगों के पास, भूमि पटनेकर ने काम किया हुआ अक्षय के साथ, तापसी ने काम किया अक्षय के साथ, क्या उनकी जोड़ी फिट बैठी है अक्षय के साथ, कोई मोमेंट है भूमि और अक्षय का इन इन टॉयलेट एक प्रेम कथा, या तापसी और अक्षय का इन बेबी या मिशन मंगल जो आपके रूह में उतर जाते हैं, नहीं है वैसा यार कुछ, फिर भी आप काम कर रहे हो, तापसी पन्नू प्रोड्यूसर बन गई है, भूमि पटनेकर भी लीड हीरोइन के तौर पे काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है यार, बट अगेन वो चीज है टॉप ऑफ द लैडर में पहुंच जाऊं, और टॉप ऑफ द लैडर कैसे पहुंची है, करीना कैटरीना दीपिका प्रियंका मेल सुपरस्टार्स के अपोजिट काम करके, बड़े फिल्म मेकर्स के अपोजिट काम करके, तो वो चीज भूमि को भी चाहिए, वो चीज तापसी पन्नू को भी अपने लिए चाहिए, आई डोंट नो बट ये चीज है तापसी पन्नू के साथ, वो सतीश पटनेकर की बेटी है, सतीश पटनेकर का वर्चस्व था, उस एंगल को एक्सप्लोर करके उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लीड हीरोइन उन्होंने काम पाया है, फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी उन्होंने जीता है राइट, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड नहीं मिला क्योंकि वो आउटसाइडर थे, वरना उनको भी मिल जाता राइट, अगर वो किसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से लॉन्च होते राइट, बट वो किसी ना किसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी से लॉन्च हुए थे ना वो किसी फिल्म स्टार के बेटे हैं, तो उनको कैसे मिल सकता है राइट, भूमि पटनेकर और पन्नू को खुश होना चाहिए कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू पैसे कमाई है, नाम कमाई है, लोग जानते हैं, कुछ लोग उनको पसंद भी करते हैं वगैरह वगैरह राइट, इंस्टेड ऑफ वो बिटरनेस की यार मुझे काम उस लेवल का नहीं मिल रहा राइट, काम मिल रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं मिल रहा, चलो बाय।